खबर रायपुर से, जहां झीरम घाटी नक्सली हमले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी जांच एक बार फिर से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एनआईए ने कांग्रेस नेता दौलत रोहरा को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कार्यालय बुलाया था। कार्यालय पहुंचने के बाद कांग्रेस नेता ने एनआईए के अधिकारियों से लिखित में नोटिस की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप मुझे पहले लिखित में नोटिस दीजिए, फिर मैं अपने वकील से चर्चा कर तय करूंगा कि मुझे बयान देना है या फिर नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दौलत रोहरा को और शिक्षा शिखा वाजपेयी ने हाईकोर्ट में एनआईए के खिलाफ याचिका दायर कर उसके जांच प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। राज्य शासन ने भी एनआईए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है। मैंने और शिखा वाजपेयी ने हाईकोर्ट में एनआईए के खिलाफ याचिका दायर की है कि एनआईए ने जांच सही तरीके से सही दिशा में नहीं की है, जिसकी हमने हाई कोर्ट में शिकायत की है। हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके कागज भेजे हैं और अभी वो जांच चल रही है। और छत्तीसगढ़ खनिज संपदा